भारत एक ऐसा देश है जिसमें अंधविश्वास को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, खासकर औरतें इसमें ज्यादा विश्वास रखती हैं। आपको बता दें कि हर अंधविश्वास को मानने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है। आज हम आपको इन्हीं अंधविश्वासों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा अंधविश्वास यह भी है कि हमारे लोग मानते हैं कि अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो वहीं रुक जाना चाहिए या फिर वापस हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें ये लगता है कि उस सड़क को पार करने से हम कोई अनर्थ कार्य कर देंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। बात दरअसल यह है कि पुराने ज़माने में न तो कोई वाहन होता था और न ही बसें चलती थी, तो उस ज़माने में आने जाने के लिए लोग घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। किसी समय अगर रात को बिल्ली रास्ते में आ जाती तो उसे देखकर घोड़ा डर जाता था, क्योंकि रात को बिल्ली की आंखें चमकती थी। ऐसे में घोड़ा गाड़ियों का संतुलन बिगड़ जाता था और जिसके कारण उस गाड़ी में बैठे लोगों को चोट लग जाया करती। बेशक समय काफ़ी बदल चुका है, लेकिन लोगों की मान्यताएं आज भी वहीं की वहीं अटकी हुई हैं। आप सभी ने पीपल के पेड़ की पूजा तो होते हुए देखी होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि पीपल के ही पेड़ की पूजा क्यों होती है? जैसे ही रात होती है सभी पेड़ प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात के वक्त भी हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। और यही नहीं, पीपल के पेड़ से हम कई तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनाते हैं। इसी वजह से पीपल एक खास पेड़ है, इसीलिए लोग इसकी पूजा करते हैं। दही चीनी का शुद्ध कार्य से संबंध। घर से बाहर जाने से पहले दही चीनी को खाना बहुत अच्छा माना जाता है। लोगों का मानना है कि आप जो भी काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल दही और चीनी का मिश्रण हमारे पेट में गड़बड़ी होने से बचाता है, जिससे हमारा ध्यान अपने कार्य पे बना रहता है और हमें सफलता मिलती है। क्या आप जानते हैं कि दुकानदार अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च क्यों लगाते हैं? लोगों का मानना है कि एक ऐलक्ष्मी नामक देवी है जो बड़े बड़े व्यापारियों का घर खराब कर देती है। उनको भगाने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि जब भी ऐलक्ष्मी उनका धंधा चौपट करने के लिए आए तो वह बाहर से ही उस नींबू मिर्च को खाकर प्रसन्न होकर लौट जाए और उनका कोई नुकसान न करे। यह तो सिर्फ उनका मानना है। असल में जिस धागे से नींबू और मिर्च को बांधा जाता है वह धागा नींबू से निकलते हुए अम्ल यानी कि एसिड को सोख लेता है। इससे निकलती गंध कीड़े मकोड़े और दुकान में कीट को मार देती है और अंदर नहीं आने देती। ऐसे ही नए नए तथ्य जानने के लिए कर ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दबा ले बेल आइकन, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। धन्यवाद।